इस वक्त मैं हूँ अपने खेत में। आज मैं सैम्पलिंग करूँगा सॉइल की। एक्चुअली क्या है कि मैं इस खेत में अपनी जो फसल है वो करूँगा, तो उससे पहले मैं जो सॉइल टेस्टिंग है वो कराना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉइल टेस्टिंग के लिए सैम्पलिंग। आप देख सकते हैं ये मेरा खेत है, ये इसकी वो है मैड बोलते हैं बाउंड्री, ऐसे और वहाँ तक। ओके, तो सैम्पलिंग लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो मैड होती है उससे 1 मीटर दूरी पर तकरीबन, और खेत के चारों कोनों से मिट्टी लेनी है तकरीबन 6 इंची नीचे से। ओके, तो हम सैंपल लेना स्टार्ट करेंगे अभी 1 मीटर दूर से। तो एक मैं ले लूँगा इस कोने से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, चार होगा, एक बीच में से ले लूँगा। फिर जो बोरी है उस पर मिट्टी रखते जाएंगे। ओके, बीच में। देन मिट्टी रखने के बाद हम क्या ऐसा करता हूँ, पहले मैं सबसे बीच वाला ही सैंपल लेता हूँ, फिर चारों जगह से मिट्टी वहाँ ला के एक पाँचवीं जगह की हो जाएगी, फिर उसे मिलाते हैं, फिर अच्छी तरह मिलाते हैं, लकड़ी वगैरह सारी दूर करते हैं, गिट्टी दूर करते हैं। देन उसके चार हिस्से करेंगे, एक हिस्सा दो हिस्से, चार हिस्से करेंगे, दो हिस्से हटा देंगे, दो हिस्से जो बचेंगे उन्हें आपस में फिर मिक्स करेंगे, फिर आधी किलो के आसपास मिट्टी हम रखेंगे। तो चलिए जल्दी से सैंपल करते हैं। तो तकरीबन 6 इंची गड्ढा है वो हो चुका है। ओके, अब मैं इसमें से क्या करूंगा, मिट्टी निकाल के बोरी पर रख लूंगा। तो बोरी लेके आता हूँ। तो बोरी ऐसे में रख, तो ये साइड की मिट्टी है ना, ये इकट्ठी करूंगा। सो ऐसे ही मैंने एक जगह से सैंपल ले लिया है, बची चार जगह से और ले लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। सो पहला सैंपल हमने लिया था तकरीबन वहाँ से, अब नेक्स्ट सैंपल हम यहाँ से लेंगे। तो जल्दी से मैं सैंपल लेता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, फिर यहाँ से सैंपल लेके अगले अगले लेते जाएंगे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे भी तकरीबन 6 इंची गड्ढा है वो कर लिया है, उसी तरीके से मैं साइड से मिट्टी लूँगा और बोरे पर रखूँगा। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ ये, तो वीडियो बना तीसरी जगह। अब मैं खेत के मध्यम भाग में आ गया हूँ, तो एक बीच से सैंपल ले लेता हूँ, फिर बाकी उन दोनों कोनों से ले लूंगा। ओके, तो मुझे पसीना आ चुका है काफी ज्यादा, हालांकि आया था जब भी था। तो चलते हैं बची हुई दो लोकेशंस पर। एक लोकेशन हम लोकेशन पे आ गए, एक सैंपल यहाँ से लेंगे, एक वहाँ से, फिनिश हो जाएगा फिर हमारा काम सैंपल लेने का। देन इन सबको हम मिक्सर करेंगे। तो मुझे लास्ट सैंपल लेना है, लास्ट सैंपल मैं यहाँ से लूंगा, फिर मिट्टी को आपस में मिक्स करेंगे। फिनिश हो चुका है और मैं पसीने से लपतप, पसीना भी काफ़ी आ गया है। फावड़ा रख देते हैं अलग। अब क्या है, इसके अंदर जो लकड़ी वगैरह है ना, ये हमें सारी अलग कर देनी है, ये नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम आटा मारते हैं ना, इस तरीके से, इस तरीके से सब कुछ हमें ऐसे डेली इन्हें फोड़ देनी है, अच्छी तरह मिलाना है। कंकड़ वंकड़ हैं, लकड़ी हैं, वो सब अलग अलग फेंक देनी है। देखिए ये कंकड़ है, इसे फेंक देता हूँ। मिट्टी अच्छी तरह मिल चुकी है, अब मुझे क्या है, इसके चार हिस्से कर लेने, ऐसे और ऐसे। अब आमने सामने के दो हिस्से वो हटा देने हैं, तो एक और दो मैंने हटा दिए। अब इन दोनों को मिक्स करना है मुझे।
सो अब जो मेरा सैंपल है वो तैयार हो चुका है। अब हमें क्या है, एक थैली में रख लेने हैं। तो मैं यहाँ पे लाया हूँ दो थैलियाँ, एक ये एक दो। हाँ, तो मैंने सोचा है कि इस सैंपल को दो अलग अलग लेबोरेटरी में दूंगा, और एक अलीगढ़ एक आगरा। ओके, तो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। तो मैं इसमें भर लेता हूँ अब अपनी मिट्टी सैंपल। तो 250 ग्राम का एक सैंपल होता है तकरीबन, तो 250 ग्राम मिट्टी है वो आप पे होनी चाहिए। तो एक थैली ये रही और दूसरी ये रही। अब जब आप लैब में देंगे तो क्या है कि आपको अपना नाम, खसरा संख्या, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको देनी होती है, जिससे कि आपका जो मृदा परीक्षण कार्ड बनता है उस पर ये सारी जानकारी आ जाए और ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए। तो दोनों में हम बराबर बराबर कर लेंगे। तो बराबर बराबर हो चुकी हैं तकरीबन, तो हम इसे कर देते हैं बंद इस तरीके से। और इसे भी कर देते हैं। सो कुछ, हाँ ऊपर दिखाओ। सो कुछ इस तरीके से आपको सैंपल लेना है अपने खेत में से। अब आगे की वीडियो में आपको बताऊं कि जो मैंने टेस्ट कराया उसका रिजल्ट कैसा आया। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे क्या कि जब मैं वो वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।